हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में एक और नया तरीका शेयर करने वाला हूं, जिस तरीके को यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रिक को यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी के साथ में एक और बात शेयर करने वाला हूं कि इससे पहले मैंने एक और वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इंडिया गोल्ड एप्लीकेशन का यूज करके 1 लाख रुपए तक पर डे के हिसाब से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस वीडियो के नीचे मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैंने इंडिया गोल्ड एप्लीकेशन में गोल्ड वाउचर बाय कर लिया है, लेकिन कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और जिनका कैंसिल हो गया है उनका रिफंड जो है अभी तक नहीं आया है। तो मैं यहाँ पर उनको कहना चाहूंगा कि देखिए, कभी कभी रिफंड में प्रॉब्लम आ जाती है, 24 से 48 घंटे में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और रही बात, आपने गोल्ड वाउचर बाय कर लिया है लेकिन कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सो उसके लिए आप एक टिकट इरेज कर सकते हैं, या फिर जिनका रिफंड नहीं आया है वो भी टिकट इरेज कर सकते हैं। टिकट इरेज करने के लिए आप इंडिया गोल्ड एप्लीकेशन का होम पेज पर आओगे तो ऊपर में आपको एक क्वेश्चन मार्क का साइन दिख जाएगा, उस पर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे और सबसे नीचे में आपको कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पे आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका टॉपिक इनमें से कोई एक है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी मर्जी का जो आपका टॉपिक है, यानी आपका पेमेंट रिफंड नहीं आया है या फिर आपको कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं आया है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सब टॉपिक आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, साथ ही यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, जो भी आपकी क्यूरी है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। और यहाँ पर एक अटैचमेंट भी अटैच करने का ऑप्शन है, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर अटैच कर दीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इतना करते हो तो 24 आवर्स में आपकी क्यूरी जो है सॉल्व कर दी जाएगी। सो जितनी भी आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, तो उसका सॉल्यूशन में भी मैंने यहाँ पर सभी चीजें कवर कर लिया है। अब बात करते हैं आज की ट्रिक की, कि आप किस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और साथ ही आपको यहाँ पर 0% चार्जेस लगने वाला है, लेकिन कुछ कंडीशंस है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि बैंक, फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड आपको ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस ट्रिक को शुरू करते हैं। सो क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के लिए आपके पास होना चाहिए एक क्रेड एप्लीकेशन। तो क्रेड एप्लीकेशन का नाम सुनकर आप यहां से चले मत जाइएगा, यहां पर पहले आप मेरी पूरी बात को सुन लीजिए और यहां पर ट्रिक को जान लीजिए कि कौन सा ट्रिक मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, जो कि क्रेड एप्लीकेशन में रेंट पे का ऑप्शन है, जिसके जरिए आप क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वो फ्री नहीं है, वहां पर आपको चार्जेस लगता है। मे भी कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद से कोई कैशबैक वगैरह मिला हो रेंट पेमेंट करने का, लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। आप में से कितने को क्रेड एप्लीकेशन के जरिए रेंट पेमेंट ऑप्शन का यूज करने पर कैशबैक मिला है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो जो लोग क्रेडिट एप्लीकेशन को पहले से यूज करते हैं तो उनको तो इसके बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन जिन्हें क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है, अभी क्रेडिट एप्लीकेशन को पहली बार यूज करने वाले हैं, तो उनको मैं क्रेडिट एप्लीकेशन के सामने इंट्रोड्यूस करा दूं। तो जो क्रेडिट एप्लीकेशन है उसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट करने पर आपको यहाँ पर बहुत सारे कैशबैक मिलते हैं, साथ ही यहाँ पर रेंट पेमेंट का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है, और साथ ही यहाँ पर आप अपना फ्री में क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल कहूँ तो आपको यहाँ पर बहुत सारी बेनिफिट देखने को मिल जाती है क्रेडिट एप्लीकेशन में। तो इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू ज्वाइन हो रहे हो तो यहाँ पर जैसे ही आप फर्स्ट बिल पे करोगे तो आपको मिनिमम 500 रुपए का कैशबैक, मैक्सिमम 1000 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ क्रेडिट एप्लीकेशन में, तो मैं अपने सभी क्रेडिट कार्ड की रिपेमेंट जो है क्रेडिट एप्लीकेशन के जरिए ही करता हूँ, क्योंकि मैं क्रेडिट एप्लीकेशन के जरिए जो मैं पेमेंट करता हूँ तो एक तो पेमेंट जो है इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है, दूसरा मुझे कैशबैक भी मिल जाता है। साथ ही इस एप्लीकेशन के बारे में यदि आप किसी फ्रेंड को भी बताते हैं और वो आपके रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन होता है तो सामने वाले पर्सन को 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का प्रॉफिट तो होता ही है, साथ ही जो पर्सन बताता है यानी जो पर्सन रेफर करता है उसे भी 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक इनकम हो जाता है। मैं यहाँ पर अपने इनकम प्रूफ दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कितनी बार 500 रुपए करके कमाए हुए हैं, और यहाँ पर आप टोटल अर्निंग देख सकते हो कितना ज्यादा है। तो आप सभी का और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के लिए फर्स्ट आप अपने क्रेडिट एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद में जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने पेज होगा, उसके बाद में आपने कार्ड्स वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर आपके सभी कार्ड शो करने लग जाएंगे जो जो कार्ड आपने यहाँ पर ऐड करके रखे हुए हैं। सो इस पेज में आपको ऊपर में कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि माई कार्ड, अनबिल्ड, मैक्स, बेनिफिट्स, तो आपने मैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आ जाएगा रेंट पे, पे बिजनेस एक्सपेंशन और नाउ पे एजुकेशन फी जस्ट लॉन्च।
ये एक न्यू सर्विस इनकी तरफ से लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को 0% चार्जेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते ही आप इस वीडियो को स्किप करके चले मत जाइएगा, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा तभी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में हो पाएगा। अगर आप वो ट्रिक नहीं जानोगे तो आपका यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं होगा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर से वॉच कीजिएगा। तो मनी ट्रांसफर करने के लिए जस्ट आपने इस पे प्रेस कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो कर जाते हैं जैसे कि ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, तो इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हो। मैं यहाँ पर ट्यूशन फीस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करने के लिए बताया जाएगा, तो आप यहाँ पर अमाउंट एंटर कर सकते हैं। उससे पहले जो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यदि आपके पास में एक एक्सिस बैंक का कार्ड है तो आप इस ट्रिक के जरिए अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेट ₹150 डिस्काउंट ऑन एजुकेशन फीस विद एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो तो आप उसका यूज़ करके अपनी क्रेडिट कार्ड की मनी को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो मैं एक्सिस बैंक का कार्ड यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर ₹10,000 आपके सामने ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, आप अपनी मर्जी से जो भी चाहो उतना एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ₹10,000 टाइप कर देता हूँ और उसके बाद में पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, पे विद क्रेडिट कार्ड और पे विद UPI। तो मैं पे विद क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पर ट्यूशन नेम आपको एंटर करना पड़ेगा, तो ट्यूशन नेम में आप अपने नज़दीकी कोई भी ट्यूशन नेम एंटर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, या आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्यूशन नेम एंटर कर सकते हो। तो जैसे ही आप ट्यूशन नेम एंटर करके प्रोसीड करते हो तो यहाँ पर आपको ट्यूशन बैंक अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा, यानी अब जिस पर्सन के अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं उसकी अकाउंट डिटेल यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। फर्स्ट में आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, देन अगेन अकाउंट नंबर एंटर करना है और IFSC कोड एंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप अकाउंट नंबर नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर UPI का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्राई ट्यूशन UPI का ऑप्शन है, तो आपने इस पर प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको UPI ID डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने जिस पर्सन के अकाउंट में पैसे भेजने हैं उसकी UPI ID डाल दीजिए एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड करते हो तो उसके बाद में फैचिंग करेगा डिटेल्स को, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है और फैचिंग करने के बाद में किसके नेम पर ये अकाउंट ये आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो जैसे आप कन्फर्म करते हो तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके सारे क्रेडिट कार्ड आपके सामने आ जाएंगे, इसमें आपने अपना एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ही सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई ऑफर्स करके एक ऑप्शन बना हुआ है, उस पर आपने प्रेस कर देना है। तो पेमेंट करने से पहले मेक श्योर करना है कि आपने इस ऑफर को अप्लाई किया है या नहीं किया है, अगर करोगे तभी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर होगा, नहीं करोगे तो आपको चार्जेस लग के ट्रांसफर होंगे। तो मैं यहाँ पर अप्लाई ऑफर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने दो ऑफर आ जाएंगे जिसमें पहला जो है एक्सिस बैंक वाला ऑफर है, गेट ₹150 डिस्काउंट विद एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो मैं इसको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ और ये देख सकते हो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। मैं यहाँ पर ₹10,000 की पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ₹9,850 ही पे करने हैं, यानी मैंने ₹150 का यहाँ पर बचत कर लिया सिर्फ एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने पर। तो आपके पास भी एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, व्हाटएवर कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, जरूरी नहीं है कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो या फिर एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप यहां पर यूज़ कर सकते हो। सो पेमेंट करने के लिए मैं प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देता हूं और यहां पर मैं CVV डालकर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देता हूं। सो जैसे ही मैंने यहां पर CVV डाल दिया तो यहां पर आप देख सकते हो ₹10,005 मुझे पे करने और ₹10,000 जो है सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा जो प्रोमो कोड है सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो वन ऑफर अप्लाइड। मैं यहाँ पर प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन यहाँ पर आपने एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो आपके पास एक OTP आएगा बैंक की तरफ से उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने क्रेडिट कार्ड के साथ में लिंक करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ और OTP डालकर सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने OTP डालकर सबमिट किया, ये पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में जा चुका है और विद इन सेकेंड्स जो है ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैं आपको लाइव ही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट ऑफ योर ट्यूशन फीस अमाउंट ₹10,005 बाज सक्सेसफुली। साथ ही यहाँ पर एक और कैशबैक आपको देखने को मिल जाएगा, कांग्रेस यू अर्न ₹50 कैशबैक ऑन योर रेंट पेमेंट। यानी आपका यहाँ पर एक और फायदा हो जाता है, यानी एक और ऑफर अनलॉक हो जाता है। जब आप नेक्स्ट मंथ यहाँ से कोई भी फीस पे करोगे तो आपको ₹50 का कैशबैक जो है इनिशियंट मिल जाएगा, तो ये ऑफर भी यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक जो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।